कि भारत के खिलाफ टर्की ने एक बड़ी साजिश की है, दुष्प्रचार फैलाने की बड़ी साजिश की है। दुष्प्रचार फैलाने के लिए कश्मीर के अलगाववादियों की मीडिया में भर्ती की गई है। अलगाववादी नेता अल्ताफ अहमद शाह की बेटी रुआ शाह ने एक विवादित आर्टिकल लिखा है और रुआ शाह के आर्टिकल के जरिए भारत को बदनाम करने की साजिश की गई है। अल्ताफ अहमद शाह कश्मीर के खिलाफ गतिविधियों में शामिल था और अब उसकी बेटी भारत के खिलाफ, भारत की छवि को खराब करने के लिए एक आर्टिकल लिखती है, जिससे टर्की की साजिश बेनकाब होती है, क्योंकि ये बड़ी साजिश है दुष्प्रचार फैलाने की भारत के खिलाफ। और ये पहली बार नहीं है जब टर्की का इस तरह का चेहरा सामने आया हो। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जब चीन के खिलाफ भारत के साथ मिलकर बाकी महाशक्तियां एक संघ बनाती हैं, ये उसी का कारण है कि अब चीन उन देशों के साथ अपनी दोस्ती को और आगे बढ़ा रहा है जो भारत के खिलाफ है? देखिए, चीन एक फैक्टर तो है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि टर्की और पाकिस्तान का गठबंधन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की हर साजिश का साथ टर्की देता है। और यहाँ जो हम खबर दिखा रहे हैं कि ये लगातार देखा जा रहा है कि जो टर्की की जो सरकारी मीडिया है उनमें तमाम जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उन लोगों को टर्की में बाकायदा नौकरी दी जा रही है, उनको जॉब्स दी जा रही है, उनको हायर किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ कई पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को भी टर्की मीडिया में जगह दी जा रही है। और इस वजह से लगातार जो टर्की मीडिया है वो भारत के खिलाफ आर्टिकल लिख रहा है, भारत के खिलाफ बदनाम करने की मुहिम चढ़े हुए है। और पिछले दिनों जैसा हमने दिखाया कि जो रुआ शाह हैं, अल्ताफ की जो लड़की हैं, उन्होंने टर्की की मीडिया में, टर्की के सरकारी मीडिया में एक लेख लिखा और ये बताया कि किस तरीके से कश्मीर में हालात हैं। लेकिन रुआ शाह कोई अकेली शख्स नहीं है, कई ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, उनकी जो सोच है वो अलगाववादी है, उनको जगह दी जा रही है टर्की में। और एक तरीके से इंटरनेशनली एक साजिश रची जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भारत की छवि है उसको धूमिल किया जा सके। तो यहाँ जो नेक्सस है वो टर्की और पाकिस्तान के बीच में है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान चाइना दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं दुश्मन दुश्मन का साथ होता है, लेकिन लगातार जब से एर्डोगन की जो सरकार वहां पर है, जो प्रेसिडेंट एर्डोगन है टर्की में, वो पाकिस्तान को खुले तौर पर साथ दे रहे हैं और भारत के खिलाफ उन्होंने कई तरीके की एक्टिविटीज को शुरू किया हुआ है, जिसको लेकर के कई सिक्योरिटी कंसर्न भी हैं। और मनीष, चूंकि इससे पहले भी टर्की भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है, पाकिस्तान के समर्थन में बोलता रहा है और इसी का फायदा अब चीन भी उठाने की फिराक में है। मनीष, आपका धन्यवाद ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। ये बहुत बड़ी खबर है, इसको लेकर अब कैसे भारत का रिएक्शन होगा वो भी आगे हम आपको प्रेजेंटिंग। वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।